जीने का अधिकार। एक बार राजा, अजात शत्रु एक साथ कई मुसीबतों से घिर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन आपदाओं को कैसे दूर किया जाए। वह दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते। तभी एक दिन उनकी मुलाकात एक वाम मार्गी तांत्रिक से हुई। उन्होंने उस तांत्रिक को अपनी आपदाओं के बारे में बताया। तांत्रिक ने राजा से कहा कि उन्हें संकट से मुक्ति तभी मिल सकती है जब वह पशुओं की बलि चढ़ाएं। अजात शत्रु ने उस तांत्रिक की बात पर विश्वास कर लिया और बलि देने की योजना बना ली। एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। बलि के लिए एक भैंसे को मैदान में बांध कर खड़ा कर दिया गया। वधे हाथ में तलवार थामे संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी संयोगवश गौतम बुद्ध वहां से गुजरे। उन्होंने मूक पशु को मृत्यु की प्रतीक्षा करते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने राजा अजात शत्रु को एक तिनका देते हुए कहा, राजन इस तिनके को तोड़कर दिखाइए। बुद्ध के ऐसा कहते ही राजा ने तिनके के दो टुकड़े कर दिए। तिनके के टुकड़े होने पर बुद्ध राजा से बोला, अब इन टुकड़ों को जोड़ दीजिए। बुद्ध का यह आदेश सुनकर अजात शत्रु हैरान होकर उनसे बोले, भगवान टूटे तिनके कैसे जोड़े जा सकते हैं। अजात शत्रु का जवाब सुनकर बुद्ध ने कहा, राजन जिस प्रकार आप तिनका तोड़ तो सकते हैं जोड़ नहीं सकते, उसी प्रकार निरीह प्राणी का जीवन लेने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकते। निरीह प्राणी की हत्या से आपदाएं कम होने के बजाय बढ़ती ही हैं। आपकी तरह इस पशु को भी तो जीने का अधिकार है। समस्याएं कम करने के लिए अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग कीजिए, निरीह प्राणियों का वध मत कीजिए। बुद्ध की बात सुनकर अजात शत्रु लज्जित हो गए। उन्होंने उसी समय पशु बलि बंद करने का आदेश जारी कर दिया। धन्यवाद। अपने मन के भाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें व वीडियो को लाइक व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आओ मिलकर सफर तय करें धर्म से अध्यात्म की ओर।